हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स ब्रो। मैं हूं वैभव अग्रवाल और बच्चे हम यहां स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th एंड क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। बहुत ही प्यारा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। जी हाँ, मैंने बोला क्लास 9th एंड क्लास 10th। बच्चे ये जो चैप्टर है ये CBSE में तो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है, जबकि ICSE बोर्ड में ये क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, बट दोनों का कंटेंट सेम है। मैं आपको पूरा चैप्टर बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक एक एक चीज़ें इस तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपके सीधे दिमाग और दिल में वो बैठ जानी है। तो फिलहाल बच्चे जो भी मैं समझा रहा हूँ उसके नोट्स ज़रूर बनाएं। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी पावर और उसका हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले वर्क। बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर है, मज़े आएंगे, न्यूमेरिकल चैप्टर है, बहुत सारी चीज़ें समझने वाली हैं इसमें। फिलहाल पहला टर्म वर्क। बच्चे वर्क का अगर मैं आपसे मीनिंग पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क इन डेली लाइफ, उसका जनरल मीनिंग वर्क का मतलब होता है काम। और काम तो आप बहुत तरीके के करते हैं, काम तो आप अब भी कर रहे हैं, जैसे आप सामने बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हैं और एक टक लगाए इस तरीके से देखते जा रहे हैं। एक घंटे तक लेक्चर चल रहा है तो आपकी मम्मी के हिसाब से, आपके हिसाब से आपने एक घंटे में बहुत वर्क किया, ये पूरा चैप्टर आपने समझा। लेकिन बेटा फिजिक्स के हिसाब से यू डिड नो वर्क। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप सामान लेके आते हैं बाज़ार से घर तक, तो हाँ आपने वर्क किया, फिज़िक्स के हिसाब से भी आपने वर्क किया। लेकिन कई ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पे आपके हिसाब से तो आपने वर्क किया बट फिज़िक्स के हिसाब से यू डिड ज़ीरो वर्क। जैसे बेटा एक वॉचमैन है, वो किसी दुकान के सामने, शॉप के सामने खड़ा हुआ है और जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं देख रहा है, सब पे नज़र लगाए हुए है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, सुबह से लेकर रात तक इस तरीके से खड़े होकर देख रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उसने काम किया जिस काम की उसे तनख्वाह सैलरी भी मिलती है, बट अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स ही डिड ज़ीरो वर्क। प्यारे जैसे एक कुली है, कुली सिर पे सामान रख के इस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो कुछ काम कर रहा है जिस काम के उसे पैसे मिलते हैं, बट अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अगेन ही डिड ज़ीरो वर्क। अरे तो अब ये मत कहना कि सर हम कुली को कोई रुपया नहीं देंगे क्योंकि उसने कोई काम नहीं किया। बेटा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही डिड ज़ीरो वर्क, बट ऐसा क्यों है देखते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अर्थ की बात करें, अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, ठीक है, घूम रही है, घूमते घूमते अर्थ कुछ वर्क आपको लग रहा है कि कर रही है या नहीं कर रही है? जी हाँ, नॉर्मली तो लग रहा है काम हो रहा है, अर्थ एक काम कर रही है, अपना काम पूरा कर रही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अर्थ डिड ज़ीरो वर्क। प्यारे एक दीवार है सामने दीवार पे आप धक्का लगाए पड़े हैं और आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो गई बट दीवार नहीं गिरी, तो ये भी एक एग्जाम्पल है फिज़िक्स में इन विच यू डिड ज़ीरो वर्क। बोले सर ऐसा क्यों, सर ये सारे एग्जाम्पल्स में वर्क क्यों नहीं हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है, आप बार बार बोल रहे हो कि अकॉर्डिंग टू फिज़िक्स यू डिड ज़ीरो वर्क, तो भैया फिजिक्स के हिसाब से वर्क कब कहते हैं कि हुआ? जी हाँ, तो सुन लीजिए, फिजिक्स के हिसाब से फिजिक्स बोलती है कि कोई भी बॉडी वर्क सिर्फ तब ही करेगी जब वो किसी चीज़ पे फोर्स लगाए। फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स के हिसाब से हम वर्क तभी कहेंगे कि हुआ जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो, तभी कहेंगे कि वर्क हुआ। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स वर्क इज सेट टू बी डन व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी एंड इट मूव्स थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, देन ओनली वर्क इज सेट टू बी डन। जैसे आप दीवार पे धक्का मार रहे थे तो आप दीवार पे फोर्स तो लगा रहे थे, धक्का तो लगा रहे थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, दीवार मूव नहीं कर रही थी, इस वजह से वर्क ज़ीरो है।
वर्क होने के लिए बेटा दो कंडीशंस होती हैं, पहली तो ये कि उस बॉडी पे फोर्स लगनी चाहिए और दूसरा उस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। ये दो कंडीशंस हैं। फिलहाल एक कंडीशन और है जिसकी मैं डिस्कशन थोड़ी सी देर बाद करूँगा। फिलहाल अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फोर्स लगती है, डिस्प्लेसमेंट होती है, तो हम कहते हैं कि वर्क हुआ। वर्क कितना हुआ वो निकाला भी जा सकता है। मान लें ये पेन है, पेन पे आपने फोर्स लगाई, ये मूव करने लगा, तो बेटा कितना मूव करा, उससे हमने इस पर कितना वर्क किया वो निकाल भी सकते हैं। वर्क तो हुआ लेकिन कितना वर्क हुआ वो निकाल भी सकते हैं। कैसे? उसका एक फॉर्मूला बनाया गया, क्योंकि वर्क हम कहते हैं कि तभी हुआ जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो। जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी पे फोर्स लगे और इसकी डिस्प्लेसमेंट हो, एस मान ले डिस्प्लेसमेंट हो गई इस डायरेक्शन में, इस तरीके से इस डायरेक्शन में, तो जितनी भी फोर्स लगी और जितनी भी डिस्प्लेसमेंट हुई इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो जो भी प्रोडक्ट निकल के आता है उसी को हम कहते हैं वर्क। तो वर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तभी जब हम दीवार पे फोर्स लगा रहे थे तो फोर्स तो लग रही थी, दीवार मूव नहीं कर रही थी, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था, तो एनीथिंग इनटू जीरो जीरो होता है, इसलिए वर्क भी जीरो आ गया। एक केस मैंने आप बताया था कि आप बैठे हुए हैं, वीडियो देख रहे हैं लेकिन कोई मूवमेंट नहीं हो रही, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क भी जीरो है। दूसरा केस बताया था वॉचमैन, दरबान खड़ा हुआ है शॉप के आगे, देख रहा है कौन आ रहा है जा रहा है, तो उसके हिसाब से तो उसने वर्क किया, बट फिजिक्स के हिसाब से वर्क तभी होगा जब उसकी कोई डिस्प्लेसमेंट हो फोर्स लगने पे, तो उसकी मूवमेंट नहीं हो रही थी, इस वजह से डिस्प्लेसमेंट जीरो था और वर्क भी जीरो था। बच्चे बोले कि सर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही थी, क्या फोर्स भी नहीं लग रही थी? नहीं बेटा, फोर्स तो लग रही है। एक तरीके से आप कहें कि वो दरवान खड़ा हुआ है कहीं ज़मीन पर, तो फोर्स तो उस पर लग रही है। कौन सी फोर्स? अरे ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसे अपनी तरफ खींच रही है, नहीं खींच रही है? जी हाँ खींच रही है, तो फोर्स तो लग रही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, जिसकी वजह से वर्क भी ज़ीरो होगा। बोले अरे सर उस हिसाब से तो आपने जो तीसरा एग्जाम्पल बताया कुली का, कि कुली सामान रख के ले जा रहा है सिर पे, तो सर उसका वर्क फिजिक्स के हिसाब से ज़ीरो कैसे हो गया? सर वहाँ तो उसके सिर पे फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क कैसे ज़ीरो हो गया? तो बेटा वर्क कैसे ज़ीरो हो गया वो जो अभी वर्क होने की तीसरी कंडीशन है वो मैंने नहीं बताई है, वो अभी बताऊँगा तो इसका भी खुलासा हो जाएगा। फिलहाल एक चौथा केस था कि जब अर्थ मूव कर रही है सन के चारों तरफ तो वर्क क्यों ज़ीरो है? सर अर्थ पे तो फोर्स भी लग रही होगी, सर देखिए सन उस पे फोर्स लगा रहा होगा अपनी तरफ और वो मूव कर रही है तो डिस्टेंस भी मूव हो रहा होगा, तो वर्क कैसे ज़ीरो हो गया? तो यहाँ पर भी जो तीसरी वाली कंडीशन है उसके हिसाब से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको बड़े आसानी समझ में आ जाएगा कि वर्क इन आखिरी दो केसेस में ज़ीरो क्यों है। फिलहाल चलिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो फॉर्मूला होता है बेटा वर्क का, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब एप्लीकेबल होता है जब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई है बॉडी अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। जैसे ज़मीन पे ये एक बॉक्स रखा था, ज़मीन पे ये एक बॉक्स रखा था इस तरीके से, इस पे हमने फोर्स लगाई, तो फोर्स लगा के ये इसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, तब तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन प्यारे अगर मान लें कि जैसे एक टॉय कार है इस तरीके से, ये एक टॉय कार मैं बना दूँ इस तरीके से, अब सोचिए इस तरीके से टॉय कार है, ठीक है, और इस पे एक कुंडी से इस तरीके से रस्सी से एक बच्चा है इसे इस तरीके से खींचता हुआ ऐसे ले जा रहा है। जैसे ये ज़मीन है, ज़मीन पे एक टॉय कार रखी है और मैं उसे खींचते हुए इस तरीके से ऐसे रस्सी से ऐसे खींचूं, तो क्या टॉय कार ऊपर खींची आएगी? क्या इस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो टॉय कार क्या इस डायरेक्शन में खींची आएगी? जी नहीं, अगर ऐसे खींचेंगे तो टॉय कार जाएगी कहाँ? टॉय कार तो आगे मूव करेगी। या आप देखिए फोर्स ऐसे लग रही है इस पे लेकिन ये मूव तो आगे करेगी, डिस्प्लेसमेंट तो इसका आगे होगा, तो ये दोनों डायरेक्शन तो सेम नहीं हुए ना,
तब इस केस में ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। एक्चुअल फॉर्मूला जो है वर्क का वो ये है, W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है प्यारे, तो इसके हिसाब से आप देखिए थीटा क्या चीज है, थीटा इज द एंगल। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बोले सर ये फिर ये कॉस क्या चीज़ है, सर ये तो नई चीज़ आ गई। हो सकता है कई बच्चों ने ये चीज़ ना पढ़ी हो, बट एक मैथ्स में चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, उसमें ये सब चीज़ें समझाई जाती हैं, जो अभी मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ कि ये कॉस क्या है, थीटा क्या है। बेटा थीटा तो एंगल है फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच का, जैसे ये यहाँ पे 30 डिग्री हो सकता है, 40 डिग्री हो सकता है, जो भी एंगल है वो यहाँ पे लगाएंगे। लेकिन ये जो कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा अपने आप में एक टर्म है। कॉस क्या चीज़ होती है बेटा, शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो होता क्या है, जैसे ट्राइंगल्स होते हैं, ट्राइंगल आपने पढ़ रखे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल की बेटा अगर बात करें हम, तो ये अगर थीटा है इस तरीके से एंगल, इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच का एंगल थीटा है, तो थीटा के सामने वाली साइड को, थीटा के सामने वाली साइड को, इस वाली साइड को हम कहते हैं परपेंडिकुलर साइड, परपेंडिकुलर साइड। हो सकता है कई बच्चों ने ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, तो उनके लिए बचकानी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। ये तो परपेंडिकुलर साइड हो गई, और ये 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने जो साइड होती है, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। और बची हुई जो तीसरी साइड होती है, इसे हम कहते हैं बेस। तो बोले सर कॉस क्या चीज़ होती है, अगर इस ट्राइंगल में थीटा का कॉस पूछा जा रहा है, एक्चुअली कॉस की फुल फॉर्म होती है कोजाइन, कोजाइन फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में कॉस लिख रहे हैं। अगर इस एंगल का कॉस कोजाइन पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपसे रेशियो पूछा जा रहा है, किस किस चीज़ का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। जो भी इस ट्राइंगल का बेस है और अपॉन हाइपोटेन्यूज कर दें, तो उसे हम कॉस थीटा कहते हैं। जैसे बेस इसका 4 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो कॉस थीटा हो जाएगा 4/5। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? फिलहाल जैसे ये तो है ही है, अभी और क्या बात है, कुछ ऐसे ये एंगल है, जैसे ये एंगल कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 80, 90, 200, 180, कोई भी एंगल हो सकता है ये। अभी मान लें कि ये एंगल 30 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे cos 30 की वैल्यू लगाएंगे। अगर आपको ये बेस और हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो हम इस तरीके से डिवाइड करके लगा देंगे, लेकिन कई बार ये साइड्स नहीं दे रखी होती हैं, सिर्फ ये एंगल दे रखा होता है। एंगल अगर दे रखा है, जैसे cos 5 डिग्री दे रखा है, cos 6 डिग्री दे रखा है, 6 एंगल दे रखे हैं, तब कैसे निकालें? तो इसके लिए बेटा इसकी कुछ वैल्यूज फिक्स होती हैं, जो निकाली गई हैं, जो बुक्स में पीछे एक टेबल बनी होती है, कॉस टेबल, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल्स, उसमें देख के बताते हैं। लेकिन उन टेबल्स में से कुछ पर्टिकुलर एंगल्स की ऐसी वैल्यू होती हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए। जैसे कौन सी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको? एक तो कॉस 0 डिग्री की याद होनी चाहिए, कॉस 30 की, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90, कॉस 120 डिग्री और कॉस 180 डिग्री। ये 6 वैल्यूज़ हैं जो आपको याद होनी ही चाहिए, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। कॉस 0 इज ऑलवेज 1, वो भी प्लस में। ऐसे ही कॉस 30 इज इक्वल टू √3/2, साइन ही लिखा है नहीं, प्लस में ही होगा। कॉस 45 इज इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस 90 इज इक्वल टू 0। कॉस 120 इज इक्वल टू -1/2 एंड कॉस 180 इज इक्वल टू -1। बेटा ये वैल्यूज हैं, ये कॉपी में नोट कर लीजिए, ये याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे क्वेश्चन आएगा आपको कि एक कार थी, उस पर फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन की, है ना, और उसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही थी, डिस्प्लेसमेंट थी उसकी मान लें 5 मीटर, और उन दोनों के बीच का एंगल था, जैसे एंगल मान लें 60 डिग्री। बेटा यहाँ 60 लिखना रह गया, 60 और लिख लीजिए। कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, एंगल दे रखा है 60 डिग्री, तो बोले वर्क निकालिए कितना होगा, तो वर्क का क्या फॉर्मूला हो जाए, एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ दे रखा है आपको 10, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है 5 और ये 60। अरे 60 मत लिख देना, कॉस थीटा थोड़ी दे रखा है 60, क्या दे रखा है 60, थीटा की जगह आप लिखोगे 60, कॉस तो ऐसे ही रहेगा, और कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, वो यहाँ लिखी है, कितनी,
1/2, तो इसे आप करेंगे कैलकुलेट, इट विल कम आउट टू बी 25 यूनिट क्या होगी उसके आगे डिस्कशन होगा। फिलहाल मैं बस ये समझा रखा था कि एंगल इस तरीके से दे रखा है तो ये वैल्यूज आपको हेल्प करेंगी। बोले सर एंगल इन वैल्यूज के अलावा कोई आ गया cos 15 आ गया तो क्या करेंगे, पहली बात तो आएगा नहीं, और अगर आएगा तो वो क्वेश्चन के ब्रैकेट में उसकी वैल्यू भी लिख के देंगे। फिलहाल तो मैंने ये बताया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है अगर उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है तो वर्क का फॉर्मूला Fs लगाएंगे, अन्यथा बाकी सब केसेस में Fs cos थीटा लगेगा। अब आप बेटा यहाँ पर ये देखिए कि ये जो cos थीटा इस तरीके से इस फॉर्मूले में आ रहा है, इसके हम तीन स्पेशल केसेस लेंगे, जिन स्पेशल केसेस से वो सारे एग्जांपल्स क्लियर हो जाएंगे जो अभी मैंने चार एग्जांपल्स आपको दिए थे। आप देखिए इसके हम लिख रहे हैं तीन स्पेशल केसेस। तो बेटा ये तीन केसेस मैं समझाने जा रहा हूँ, उससे पहले एक बार फिर से बता दीजिए जरा, किसी भी बॉडी पे कितना वर्क होता है, कितना वर्क हो रहा है फिजिक्स के हिसाब से, वो वर्क कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जी हाँ, तीन फैक्टर्स पे अब डिपेंड कर रहा है। आप समझ लीजिए पहला फैक्टर है फोर्स, कितनी फोर्स लगाई उस पे डिपेंड करेगा, दूसरा कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई उस पे डिपेंड करेगा, और तीसरा डिपेंड करेगा उन दोनों के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट्स के डायरेक्शन के बीच के एंगल पर। तो अब देखिए एंगल, यहाँ पे एंगल्स का मैं स्पेशल केस ले रहा हूँ। जैसे पहला केस ये है कि इफ द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हो। जैसे देखिए ये इस तरीके से ये बॉडी है, ये बॉडी पे मैंने फोर्स इस तरीके से ऐसे लगाई है, ग्राउंड पे रखी हुई थी, तो बताइए अगर ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी कहाँ मूव करेगी, ऐसे टेढ़े चली जाएगी ऊपर चली जाएगी, जी नहीं, उसी डायरेक्शन में इस तरीके से ऐसे जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में हुई। तो इस केस में वर्क का क्या फॉर्मूला होगा वो हम निकालने जा रहे हैं। अरे ये फॉर्मूला तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या फॉर्मूला पढ़ा है, जब सेम डायरेक्शन में होती है W इज इक्वल टू सिंपली F इंटू S। अब वो देखे वो फॉर्मूला भी इसी फॉर्मूले से आएगा, कैसे आएगा, उससे पहले एक चीज़ ये बताइए प्यारे कि अगर दो बॉडीज अलग अलग डायरेक्शन में हैं या सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके बीच एंगल कितना होगा। जैसे मान लें कि अगर मैं आपसे आगे पूछूंगा तो आप डायरेक्ट बता देना कि जैसे मान लें एक पेन ये है एक पेन ये है, ठीक है, दोनों आप देख रहे हैं एक ऊपर की तरफ एक इधर की तरफ, तो बताओ कितना एंगल है दोनों के बीच, जी हाँ 90 डिग्री। लेकिन अगर ये मैं एंगल कम करता जाऊँ तो एंगल 90 से 70 हो गया, 60 हो गया, 50, 40, 30, 20, और बिल्कुल अगर ये पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे के तो एंगल कम हो के बताओ कितना हो जाएगा पैरेलल होने पर, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों हो गए, जी हाँ कम हो जाएगा 0 डिग्री। यानी ध्यान रखना अगर कोई दो बॉडी सेम डायरेक्शन में है, दो क्वांटिटी सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन के बीच एंगल कितना होगा 0 डिग्री। ऐसे ही परपेंडिकुलर है और ऐसे ही अपोजिट डायरेक्शन में है ऐसे, तो कितना एंगल होगा बताओ, नहीं समझ पा रहे हो, सोचो जैसे ये 90 है ये बढ़ा दिया 120, 150, 160, 170 और बिल्कुल ऐसे हो गया फ्लैट, तो देखो ये इस तरीके से ये इधर, तो बताओ इन दोनों के बीच ये एंगल कितना हुआ, जी हाँ 180। यानी अब डायरेक्ट बता देना कि दो चीज़ें अपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब उन दोनों के बीच 180, परपेंडिकुलर होने का मतलब 90, और सेम डायरेक्शन में होने का मतलब एंगल कितना होगा 0 डिग्री। तो यही चीज़ आप यहाँ पे देखिए प्यारे, अगर जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो बताइए यहाँ इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, जी हाँ 0 डिग्री। तो वर्क का जो फॉर्मूला हमने लिखा था W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, या थीटा की जगह क्या लिखेंगे, थीटा की जगह लिखेंगे कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है प्यारे, वो लिखा है चाहे 1 लिख दो चाहे +1 लिख दो, चलो अभी मैं +1 लिख दे रहा हूं, तो इसके हिसाब से वर्क कैसा आ गया, वर्क का फॉर्मूला आ गया एफ एस, जो आपको सबसे पहले बताया था सेम डायरेक्शन में है तो ये होता है, देखिए इस फॉर्मूले से भी वही आ रहा है, तो मेन फॉर्मूला यही है, इसी फॉर्मूले से कुछ भी हम ये भी केस निकाल सकते हैं। प्लस आ रहा है, ध्यान रखिए यहाँ प्लस है, यहाँ क्या होगा वो देखते हैं, उससे पहले इसके एग्जाम्पल देख लो प्यारे कि
ऐसा केस बोले एग्जाम्पल बताइए, एग्जाम्पल आप ये लिख सकते हो, या फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स को हम पुश कर रहे हैं अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक कार है उसको हम धक्का लगा रहे हैं पीछे अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, इन ऑल दीज केसेस वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तो एग्जाम्पल्स में आप अपने आप लिख लीजिए जो अभी मैंने एग्जाम्पल्स बताए। फिलहाल दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू फोर्स, मतलब फोर्स फॉर एग्जाम्पल ऐसे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो, किसी बॉडी को ऐसे फोर्स लगे और वो ऐसे जाए, बोले अरे सर ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि फोर्स ऐसे लगाएं और ऐसे जाए, ऐसे कैसे हो सकता है? जी हाँ हो सकता है, हो सकता है। वही कुली का केस, प्यारे आप ये देखिए कुली के केस में ये इस तरीके से कुली था, अपने सिर पे सामान रख के ऐसे जा रहा था, ठीक है, इस तरीके से जा रहा था, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस में सामान को ऐसे ले जा रहा था। तो जब वो ऐसे ले जा रहा था, सामान को ऐसे रख के ले जा रहा था, तो डिस्प्लेसमेंट तो उसकी इस डायरेक्शन में हो रही थी, लेकिन उसके सिर पे फोर्स बताइए किस डायरेक्शन में लग रही थी, ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ उसको खींच रही थी किस तरफ, अपनी तरफ, किस तरफ, नीचे, उसके सिर पे फोर्स लग रही थी नीचे की तरफ, तो फोर्स ऐसे लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो जरा देख लो इन दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, जी हाँ 90 डिग्री। तो ये केस है जहाँ थीटा 90 डिग्री होगा, और सोचो अगर थीटा 90 हुआ तो वर्क हो जाएगा एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 कितना होता है, जी हाँ कॉस 90 ये लिखा है 0, क्योंकि कॉस 90 0 होता है, तो प्यारे वर्क भी कितना हो गया 0। बोले सर अब समझ में आया कि कुली ने क्यों वर्क नहीं किया, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उन दोनों डायरेक्शंस के बीच 90 डिग्री होने की वजह से थियोरेटिकली वर्क डन 0 आ रहा है। लेकिन ये मत करना कि पैसे ना दो अब की बार कुली को, बेटा अकॉर्डिंग टू फिजिक्स ही डिड 0 वर्क, क्योंकि एंगल 90 है, लेकिन वर्क तो उसने किया, क्यों किया, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर उसकी मेहनत हुई, उसकी एनर्जी वेस्ट हुई, उसको पसीना आया, उसकी एनर्जी तो लगी ना, तो वैसे तो थियोरेटिकली अगर हम बात करें तो वर्क 0 हुआ, वरना वैसे तो कुछ ना कुछ उसने किया ही। लेकिन एक बात और बता दूं प्यारे, जैसे हम वर्क बोलते हैं कि वर्क कितना हुआ, तो हमेशा जब भी वर्क पूछा जाता है तो ये एक्सप्रेस करना पड़ता है, ये मेंशन करना पड़ता है कि जो हम वर्क निकाल रहे हैं वो कौन सी फोर्स के अगेंस्ट निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे जो हम वर्क निकाल रहे हैं वो अगेंस्ट कौन सी फोर्स निकाल रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम यहाँ कहेंगे कि वर्क डन बाय कुली अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन कैरिंग अ लोड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये वर्क कैसा आया 0। लेकिन बेटा ग्रेविटी की वजह से ऐसे मूव करने पर उसने वर्क 0 किया, लेकिन उस पर और भी फोर्सेस भी तो लग रही होंगी, जैसे जब वो मूव करेगा तो बेटा मूव करने पर ग्राउंड से उसकी चप्पलें वगैरह घिसेंगी तो फ्रिक्शनल फोर्स भी तो लगेगी, है नहीं, तो वो जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी क्या उसके अगेंस्ट भी वर्क 0 होगा, होगा या नहीं होगा वो अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल समझने वाली बात इतनी कि एक ही केस में वर्क 0 भी हो सकता है, एक ही केस में प्लस भी हो सकता है, एक ही केस में माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि वो जो वर्क पूछा गया है सेम केस का वो कौन सी फोर्स के अगेंस्ट पूछा गया है। बोले सर एग्जांपल्स बताइए कि एक ही जगह 3 अलग अलग वर्क हो सकते हैं, अभी समझाऊंगा। फिलहाल एक इसका एग्जाम्पल और ले लीजिए 90 डिग्री वाले का। जैसे बेटा मैंने अर्थ बताई थी, अर्थ इस तरीके से गोल गोल रोटेट कर रही, रिवॉल्व कर रही है सन के चारों तरफ, ये अर्थ है प्यारे। तो आप बताइए अर्थ पे सन किस तरफ फोर्स लगाता है, जी एस ग्रेविटेशनल फोर्स, सन अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इसकी, तो फोर्स तो इस पे ऐसे लगेगी। और आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी चीज़ गोल गोल घूमती है तो किसी भी पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होती है, ऐसे जाती है। टेंजेंशियल का मतलब है इस रेडियस के 90 डिग्री पर,
मतलब कहने का ये कि जैसे सोचिए एक रस्सी से पत्थर बांध के आप ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, गोल गोल घुमाते 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 अगर यहाँ पर छोड़ दें तो पत्थर गोल तो घूमेगा नहीं, अगर रस्सी टूट जाए पत्थर छोड़ दें, यहाँ गोल गोल घुमाते घुमाते ऐसे पत्थर छोड़ दें तो पत्थर कहाँ भाग जाएगा, ऐसे भाग जाएगा। इस वजह से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी ऐसी ली जाती है। ऐसी लेने की वजह से जरा देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल हो गया, जी हाँ 90 हो गया। तो इस केस में भी वर्क डन 0 आ जाएगा, जो मैंने पहले बताया था। बेटा इस केस में क्या 0, बल्कि हर केस, ऐसा कोई भी केस जिस केस में बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। सर्कुलर पाथ पे आपने पढ़ रखा है कि बॉडी जब गोल घूमती है तो गोल घूमने के लिए उसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है जो उसके सेंटर की तरफ लगती है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा टेंजेंशियल, जिसकी वजह से एंगल हमेशा 90 होगा। तो कोई भी सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन आए कि वर्क डन कितना होगा, स्ट्रेट अवे लिख देंगे वर्क डन विल बी 0। ठीक है, समझ पा रहे हैं फिलहाल। चलिए प्यारे आगे बढ़िए। इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ फोर्स, बोले अरे इसका मतलब तो ये हुआ कि जैसे ये एक बॉडी है, इस बॉडी पे मैं फोर्स एक तरफ लगे और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, यही तो मतलब है। डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट टू फोर्स, फोर्स एक तरफ लगे डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। बोले अरे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि फोर्स एक तरफ लगाए और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में हो। जी हाँ, फिजिक्स में हर चीज़ पॉसिबल है, बल्कि प्रैक्टिकली भी हो सकता है। ज़रा सोचिए, आपने सोचा नहीं प्यारे। जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लें कि अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें प्यारे, जैसे इस बॉडी को अगर हम ग्राउंड पे खींचते हुए इधर ले जाते हैं तो इस बॉडी की जो डिस्प्लेसमेंट है वो तो इस डायरेक्शन में हो रही है। डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिनोट होती है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही है अगर खींच के इधर ले जा रहे हैं तो। हम जो अपनी फोर्स लगा रहे हैं वो तो इधर की तरफ लगा रहे हैं, लेकिन अगर हम वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स पूछें तो बेटा ये बताओ इस पर फ्रिक्शनल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। जी हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी। अगर मोशन ऐसे हो रहा है तो ग्राउंड इस पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगाएगा, पीछे लगाएगा। इस बॉडी को हम ऐसे धक्का मार रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे पीछे की तरफ लगेगी। तो देखिए फ्रिक्शनल फोर्स पीछे और डिस्प्लेसमेंट आगे, दोनों के बीच कितना एंगल हो गया, जी हाँ 180 डिग्री। तो आप ये देखिए वर्क का फॉर्मूला यहाँ हो गया Fs cos 180 डिग्री, और cos 180 कितना होता है, जी हाँ -1। ये देखिए -1, जिसकी वजह से वर्क कैसा आ गया, माइनस, जब एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है प्यारे, तो ये तीन केसेस हैं। एक केस जब वर्क पॉजिटिव होगा, दूसरा वर्क 0 होगा, और तीसरा वर्क जब नेगेटिव होगा। आपसे एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल में आप लिख देंगे वर्क डन अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसलिए वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी कौन सी फोर्स के अगेंस्ट, अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, ओके। अच्छा प्यारे, मैंने अभी बोला था कि सेम केस में वर्क की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं। जैसे इस केस में आप देखिए जब बॉडी को ऐसे ले जा रहे हैं तो पता है इस बॉडी पे 2 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी, एक्चुअली 3 फोर्सेस लग रही हैं। कौन कौन सी, पहली तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनल फोर्स, ऑब्वियसली सेकेंड फोर्स लग रही है, हमारी भी तो फोर्स लग रही है। ज़रा इसे हटा दे रहा हूँ यहाँ से। आप सोचिए कि अगर इस बॉडी को खिसका के हम इस तरीके से ले जा रहे हैं ग्राउंड पे, तो अप्लाइड फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रही है जो हम लगा रहे हैं, लेकिन इससे डिस्प्लेसमेंट इधर ही होगा। लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही है। एक फोर्स और लग रही है, कौन सी फोर्स, जी हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है। तो बेटा इस पे 3 फोर्सेस लगने की वजह से वर्क भी 3 अलग अलग वर्क होंगे। कौन सा वर्क होगा वो बताने के लिए आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि जो आप वर्क निकाल रहे हैं वो कौन सी फोर्स के अगेंस्ट निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि इस बॉडी पे वर्क बताइए कितना हुआ अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स, तो अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें
तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रही थी, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रही थी, तो कितना एंगल हुआ? जी हाँ 180 डिग्री। तो वर्क आपका हो गया FS cos 180, और cos 180 माइनस 1 होने की वजह से माइनस FS। ऐसे ही इसी केस में बोलते कि वर्क डन बताइए किसका, बाय अप्लाइड फोर्स। आप देखिए डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में थी, फोर्स भी तो उधर ही लगा रहे थे, तो अप्लाइड फोर्स भी इसी डायरेक्शन में थी। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो ये हो गया FS cos 0, और cos 0 कितना होता है बेटा? प्लस 1। तो यहाँ कितना आ गया? प्लस FS। जबकि तीसरा केस अगर बोलते वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, तो आप देखिए मूवमेंट तो इसकी इधर हो रही है जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रही है, एंगल कितना है? 90 डिग्री। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क निकाला जाए तो फॉर्मूला होगा W इज इक्वल टू FS cos 90, और cos 90 कितना होता है? 0। तो सब 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता था कि देखिए सेम बॉडी मूव कर रही है एक डायरेक्शन में, लेकिन तीन अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे? आप वो वैल्यू लिखेंगे जिस फोर्स के अगेंस्ट क्वेश्चन में पूछा गया। अगर कहेंगे कि व्हाट इज विल बी द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल, तो ये लिख देंगे, अगेंस्ट अप्लाइड, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, उस हिसाब से आप आंसर लिखेंगे। तो उम्मीद है बहुत बेसिक लेवल पे जाके आपको समझा रहा हूँ, इतनी डिटेलिंग कहीं बुक्स में नहीं है, इसलिए इसे नोट कर लीजिए। और एक एग्जाम्पल इसका और सुन लीजिए नेगेटिव वर्क का। प्यारे जैसे मान लें, ये नोट कर लिया, इसे नोट कर लिया तो मैं इसे हटा दूं, नहीं तो पॉज करके नोट करिए फिर आगे बढ़िए। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूँ प्यारे 180 डिग्री का। जैसे मान लें कि ये एक बॉडी है, इस बॉडी को मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, ये बॉडी है 10 किलो का पत्थर, इस तरीके से इसे ऊपर ले जा रहा हूँ। तो ज़रा देखिए इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा कहाँ लगती है? नीचे, अर्थ की तरफ। तो कितना एंगल हो गया? 180 डिग्री। तो इस केस में भी बेटा वर्क डन कितना आएगा? FS cos 180, और cos 180 कितना होता है? माइनस 1। तो ये कितना आ गया? माइनस। इस केस में भी नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव के दो एग्जाम्पल, पहला तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शनल फोर्स इन मूविंग अ बॉडी ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, और दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग अ बॉडी अपवर्ड्स। जी हाँ, ये मेंशन करना पड़ेगा जो वर्क है वो कौन सी फोर्स के अगेंस्ट है। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इन लिफ्टिंग अ स्टोन अपवर्ड्स, उस केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। फिर से बेटा अगर किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो बेटा यहाँ पे कितनी फोर्सेस लगेंगी? सोचो कितनी लगेंगी, 1, 2, 3 कितनी फोर्स लगेंगी? जी हाँ, 2 फोर्स। कौन सी? एक तो ग्रेविटी तो लगी रही है नीचे की तरफ, दूसरी हम अपनी फोर्स भी तो लगाएंगे इस पे। अपनी ताकत नहीं लगाओगे ऐसे ऊपर ले जाने में? तो अपनी ताकत के अगेंस्ट अगर वर्क पूछा जा रहा है तो जरा बताओ उसका साइन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रही है और हम अपनी फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? अपनी फोर्स ऊपर ही लगाएंगे। तो जो अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट अगर वर्क पूछा जाए तो बताओ जरा ये FS cos कितना एंगल होगा सेम डायरेक्शन में? 0। तो यहाँ वर्क कैसा आ जाएगा? नेगेटिव। तो सेम केस में नेगेटिव, सेम केस में पॉजिटिव। तो बेटा डिपेंडिंग कि कौन सी फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकालना है वो आप मेंशन करेंगे। उम्मीद है बहुत प्यार से बेसिक लेवल पे जाके मैंने आपको समझाया है, उम्मीद है समझ में आ रहा है। और बेटा समझ में आ रहा है तो जल्दी से पॉज करके पहले लाइक बटन पे क्लिक कर दो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक। तो बेटा अभी जो भी पढ़ा उसके बेसिस पे जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। बोल रहे हैं कंडीशंस बताइए फॉर अ वर्क डन बाय अ फोर्स टू बी 0, वो क्या क्या कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में कोई फोर्स की वजह से वर्क डन 0 हो। जी हाँ, पहला केस, वर्क 0 कब हो सकता है? व्हेन फोर्स इज 0, नो फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। तो आप देखिए वर्क इज इक्वल टू, सॉरी नो फोर्स नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो लगेगी ही लगेगी, बिना फोर्स के तो वर्क डन कैसे बात करेंगे। वर्क का फॉर्मूला FS cos थीटा। तो प्यारे अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है, आपने फोर्स लगाई बाय अ फोर्स, लेकिन बॉडी मूव नहीं करी, तो वर्क डन विल बी 0।
दूसरा केस कि फोर्स लगाने पर भी वर्क जीरो आए, वो तब जब थीटा इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, व्हेन फोर्स एक्ट्स इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, उस केस में भी एफ एस कॉस 90 जीरो होने की वजह से वर्क जीरो होएगा। तो छोटा सा टॉपिक नोट कर लीजिए। ओके प्यारे, अगले टॉपिक से आ जाइए। प्यारा सा टॉपिक है प्यारे, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालने वाले हैं कि अगर किसी भी बॉडी को मूव कराते हैं ऊपर या नीचे तो अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से कितना वर्क होगा, मतलब किसी बॉडी को ऊपर ले जाने में कितना वर्क होगा उसका फॉर्मूला, और किसी बॉडी को नीचे ले जाने में कितना वर्क होगा उसका फॉर्मूला। तो क्योंकि ग्रेविटी तो वही लग रही है, फोर्स तो वही लग रही है, चाहे हम ऊपर ले जाएं चाहे नीचे ले जाएं, बॉडी पे फोर्स तो वही लगेगी, लेकिन क्योंकि डायरेक्शंस अलग अलग होंगे तो केसेस भी यहाँ अलग अलग बनेंगे। तो दो केस ले रहे हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग, क्या पहले ऊपर ले जा रहे हैं फिर नीचे, या चलो पहले नीचे ले जाते हैं। व्हेन बॉडी इज मूविंग कहाँ, डाउनवर्ड्स, व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। और दूसरा ले रहे हैं, व्हेन बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग कहाँ, अपवर्ड, ठीक है अपवर्ड। ओके प्यारे, चलिए तो बात ये आई कि डायग्राम बना लेते हैं, चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। बेटा अगर ये बॉडी है इस तरीके से, मान लें उसे नीचे ले जा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे हो रही है, और बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगती है हमेशा, अर्थ कहाँ खींचती है, ग्रेविटी कहाँ खींचती है, हर बॉडी को नीचे ही खींचती है, चाहे वो ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो ये हो गई आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वजह से दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो अगर हम वर्क निकालना चाहें तो वर्क का फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा होता है, थीटा की जगह तो हम जब कॉस जीरो लिखेंगे तो कॉस जीरो 1 होता है, तो बेटा ये 1 हट जाएगा और सिर्फ एफ एस रह जाएगा। लेकिन एक काम यहाँ पे ये भी करेंगे, जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड यहाँ है, मान लें एच हाइट से इसे ऊपर से नीचे लाए तो बेटा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की जगह एच लिख देंगे। और फोर्स, बेटा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, पिछले चैप्टर में पढ़ा है, फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो लेकिन जब ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो यहाँ ए का मतलब जो एक्सेलेरेशन होता है वो प्यारे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, किसी बॉडी को ऐसे छोड़ दें तो उसमें जितना एक्सेलेरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जिसे हम 9.8 कहते हैं की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे वो एक्सेलेरेशन को ए से ना डिनोट करने की बजाय जी से भी डिनोट कर सकते हैं, जिसकी वजह से वर्क का फॉर्मूला आ गया एम जी एच, साइन क्या आया प्लस। तो ये वर्क डन आया व्हेन बॉडी इज मूविंग डाउनवर्ड। ऐसे ही अगर बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं तो क्या वर्क का फॉर्मूला होगा, देखिए ये ग्राउंड है इस तरीके से, ग्राउंड से यहाँ ले जा रहे हैं, कितना एच हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर हो रहा है बॉडी पे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे। बेटा हमारी फोर्स तो ऊपर लगेगी, जो हम ऊपर ले जा रहे हैं तो हमें तो ऊपर लगानी पड़ेगी, लेकिन आप यहाँ फोर्स का डायरेक्शन ऊपर नहीं बनाओगे, हम कौन सी फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकाल रहे हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स बनाओ, अपनी फोर्स की बात यहाँ मत करना कि सर ऊपर बनाइए सेम डायरेक्शन, नो हम कौन सी फोर्स के अगेंस्ट वर्क निकाल रहे हैं, ग्रेविटी, तो सिर्फ ग्रेविटी बनेगी ऊपर कोई नहीं बनेगी। फिलहाल प्यारे आप जरा बता दीजिए इन दोनों डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच, जी हाँ 180 डिग्री की वजह से वर्क का फॉर्मूला आएगा यहाँ Fs cos 180, और cos 180 कितना होता है -1, तो ये -1 माइनस Fs, लेकिन फोर्स का फॉर्मूला ma, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है h हाइट ऊपर ले जा रहे हैं, और एक ही जगह क्या लिख सकते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, जिसकी वैल्यू 9.8 होती है। तो लीजिए यहां वर्क का फॉर्मूला आ गया mg एच, लेकिन माइनस में। तो देखिए वैल्यूज वही आ रही हैं, चाहे ऊपर ले जाएं चाहे नीचे ले जाएं, सेम हाइट मूवमेंट कराई है तो वैल्यू तो एम जी एच और एम जी एच ही आएगी, लेकिन जब नीचे ले जा रहे हैं तो प्लस में, ऊपर ले जा रहे हैं तो माइनस में, ठीक है। फर्क क्या है, फर्क ये है बेटा कि यहाँ पे जो वर्क हुआ है वो माइनस में आया है और यहाँ प्लस में आया है। फिलहाल जल्दी से नोट लीजिए और हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, आप नोट करिए।
बच्चे वर्क तो बहुत पढ़ लिया कि वर्क का ये फॉर्मूला, वर्क का वो फॉर्मूला, ये वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी बेटा, लेकिन जब भी आप फॉर्मूला लगा के वैल्यू निकालेंगे तो उसकी कोई यूनिट भी तो लिखेंगे। आपका मास कितना है? 50? क्या लीटर? क्या मीटर? नहीं, क्या किलो? तो यूनिट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए हर क्वांटिटी की यूनिट लिखी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ 50 लिख दूँ तो क्या है ये पता नहीं चल रहा है। जब इसके आगे केजी लिखा जाएगा तभी पता चलेगा कि ये अरे भैया मास है। ऐसे ही अगर वर्क की बात करें तो वर्क की यूनिट क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्क दे रखा है, उसके लिए यूनिट्स ऑफ वर्क, यूनिट्स, स का मतलब बेटा दो अलग अलग यूनिट्स हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक एसआई यूनिट है ना, जिसे हम एमकेएस भी बोलते हैं, और एक क्या सीजीएस यूनिट, CGS यूनिट। प्यारे CGS का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाली, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड वाली, और MKS का मतलब होता है मीटर किलोग्राम और सेकंड वाली, जिसमें मीटर आए उसमें सेंटीमीटर आए, इसमें किलो आए और उसमें ग्राम आए, सेकंड सेकंड दोनों में टाइम की यूनिट सेकंड ही होती है। और इसे SI भी कहते हैं, SI का मतलब स्टैंडर्ड यूनिट है, फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम में जो यूनिट होती है उसे हम SI यूनिट बोलते हैं। फिलहाल चलिए बात आई कि सर इसकी यूनिट क्या होगी, तो बेटा यूनिट निकालना चुटकियों का खेल होता है, फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूले से ही अपने आप यूनिट आ जाएगी अगर कभी आप भूल भी जाएं तो। फॉर्मूला इसका है FS cos थीटा। अगर यहाँ पे तीन क्वांटिटीज़ आ रही हैं बेटा, इन तीनों क्वांटिटीज़ की अगर आप यूनिट डाल दें तो वर्क की यूनिट आ जानी है। SI डालेंगे तीनों की तो SI आएगी, CGS डालेंगे तो CGS आएगी। चलिए पहले SI पे आएं। बेटा फोर्स की SI यूनिट क्या होती है? जी हाँ, क्या फोर्स की होती है? न्यूटन, न्यूटन। तो यहाँ पे लिख देंगे न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की क्या होती है? मीटर, ठीक है। और कॉस थीटा की, बेटा कॉस थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला बताया था, कॉस थीटा एक रेशियो होता है किस चीज़ का, बेस अपॉन हाइपोटन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटन्यूज होने की वजह से ट्राइंगल की एक साइड अपॉन दूसरी साइड करें तो एक साइड कितनी लंबी है वो भी मीटर में होगा, दूसरी साइड कितनी लंबी है वो भी मीटर में होगा, ये कट जाएंगे, जिसकी वजह से इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, कॉस की कोई यूनिट नहीं होती। तो यहाँ 1 लिख दिया, तो बेटा ये यूनिट आ गई क्या? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जिसे मिला के क्या लिख देते हैं? जी हाँ, क्या लिख देते हैं? जूल। जूल जिसे कैपिटल J से डिनोट करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वर्क, तो आप बोल देना जूल। अच्छा ठीक है, जूल तो हो गई। फिर वो पूछेंगे कि 1 जूल बताओ क्या होता है। पहला तो क्वेश्चन था कि यूनिट क्या है वर्क की, अभी क्वेश्चन है यूनिट तो जूल बता दी, लेकिन डिफाइन 1 जूल। क्या? डिफाइन 1 जूल। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। बेटा अगर कभी भी 1 की वैल्यू बतानी है आपको, तो ये बताओ वर्क की यूनिट, वर्क की वैल्यू 1 जूल कब आएगी? तब आएगी जब फोर्स भी 1 न्यूटन हो, डिस्प्लेसमेंट भी 1 मीटर हो, और कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 हो। कॉस थीटा की वैल्यू 1 कब होगी? कॉस थीटा की वैल्यू 1 होगी जब थीटा 0 डिग्री होगा, क्योंकि कॉस 0 ही 1 होता है। फिलहाल चलिए अभी थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यू पे जाएं कि 1 जूल क्या है। तो आप देखिए, अगर ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, ये भी 1 हो, तो ये 1 न्यूटन मीटर बन जाएगा। तो 1 जूल अगर आपसे पूछा जा रहा है 1 जूल क्या है, तो आप कह सकते हैं 1 जूल जो है वो क्या है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। फिर से 1 जूल क्या है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। लेकिन डिफाइन ऐसे नहीं करना होता है, डिफाइन करना होता है शब्दों में, थ्योरी में। अगर मैं आपसे एक या दो शब्द में पूछूं कि बताइए 1 जूल क्या है, तो बताइए 1 जूल क्या है सिर्फ एक या दो शब्द में। प्यारे कुछ बच्चे बोले सर 1 जूल क्या है? 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अरे तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर ये तो 5 शब्द हो गए। प्यारे मैं एक या दो में बोल रहा हूँ, एक या दो में बोलिए बोलिए बोलिए। 1 न्यूटन इंटू मीटर ना बोल के फिर से सोचिए 1 जूल क्या है।
आप कह सकते हैं अरे सर वन जूल तो क्या है, जी हाँ वन जूल क्या है, अरे वर्क है, वर्क कह लो या वर्क डन कह लो, वन जूल वर्क है। लेकिन वन जूल वर्क की वैल्यू कब आएगी, तब आएगी जब किसी बॉडी पे एक न्यूटन की फोर्स लगे और वो एक मीटर डिस्टेंस मूव करे, वो भी सेम डायरेक्शन में, यानी एंगल ज़ीरो, सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, थीटा ज़ीरो होगा, कॉस ज़ीरो वन होगा, ठीक है। तो अगर कभी एक न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी पे मूव करने पर उसे एक मीटर मूव कराती है, तो वन न्यूटन इंटू वन मीटर, तभी तो वन जूल आएगा। तो आप इसको ऐसे डिफाइन करोगे कि वन जूल क्या है, आप कहोगे द वर्क इज सेट टू बी वन जूल, सेट टू बी वन जूल इफ अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में मूव हो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर से बोले वन न्यूटन क्या, वन जूल क्या है, बोले वन जूल वर्क है, द वर्क डन इज सेट टू बी वन जूल इफ अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्या बात समझ पा रहे हैं, नोट कर लीजिए, वर्क डन इज सेट टू बी वन जूल इफ अ फोर्स ऑफ वन न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन मीटर, वगैरह वगैरह। ऐसे ही चलिए अब CGS पे आ जाइए। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला लिख रहा हूँ अभी, इसी से यूनिट बताइए, थीटा की तो कोई होती नहीं है यूनिट, तो सिर्फ यही लिख दे रहा हूँ। बेटा वर्क डन का फॉर्मूला FS, इन दोनों की यूनिट डाल दीजिए CGS, तो इसकी भी CGS आ जाएगी। बेटा न्यूटन इसकी SI यूनिट है, न्यूटन से छोटी कौन सी यूनिट होती है फोर्स की, जी हाँ न्यूटन से छोटी यूनिट होती है डाइन, और डिस्टेंस की मीटर से छोटी कौन सी होती है CGS, यस सेंटीमीटर। तो ये हो गई डाइन सेंटीमीटर, जिसे मिला के पता है क्या लिखते हैं, अर्ग। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ वर्क, तो आप कहेंगे क्या, अर्ग, CGS यूनिट ऑफ वर्क अर्ग, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन ये आया कि डिफाइन, वही क्वेश्चन, डिफाइन वन अर्ग, तो शायद अब आप खुद बता सकते हैं, अगर वन अर्ग डिफाइन करना है तो बताइए वर्क की वैल्यू वन अर्ग कब आएगी, तभी आएगी जब फोर्स भी वन डाइन हो और डिस्प्लेसमेंट भी वन लगे, तभी तो वन इंटू वन वन आएगा, ठीक है। तो अगर डिफाइन करना पड़े, डिफाइन वन अर्ग, तो आप स्टार्टिंग करेंगे एक शब्द में बताइए, दो शब्द में बताइए वन अर्ग क्या है। आप कह सकते हैं वन अर्ग क्या है, सर वर्क है, वन अर्ग क्या है, वर्क। लेकिन वन अर्ग, वर्क की वैल्यू वन अर्ग कब होगी, तब होगी जब फोर्स वन डाइन लगे और मूवमेंट भी कितना हो बॉडी का, वन सेंटीमीटर, तभी तो वर्क वन अर्ग होगा। तो आप डिफाइन कर दीजिए, बोले द वर्क इज सेट टू बी वन अर्ग, द वर्क डन इज सेट टू बी वन अर्ग व्हेन अ फोर्स ऑफ वन डाइन अप्लाइड ऑन अ बॉडी मूव्स इट थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ वन सेंटीमीटर, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो देखिए यहां लिख रहा हूं, लिख लीजिए क्या, वर्क डन इज सेड टू बी वन अर्ग इफ अ फोर्स ऑफ वन डाइन अप्लाइड ऑन अ बॉडी moves it through a distance of one centimeter, किस direction में, ये formula कब लगता है, जब same direction में हो, in the direction of force। बात समझ पा रहे हैं। तो प्यारे ये वन अर्ग की डेफिनेशन हो गई। आज के लास्ट टॉपिक पे आ जाइए इसे नोटने के बाद, कि सर वर्क की यूनिट जूल भी हो गई, वर्क की यूनिट अर्ग भी हो गई, तो सर इन दोनों में कोई
रिलेशन भी तो होगा। जी हाँ, इन दोनों में रिलेशन है। मतलब जैसे मास की यूनिट केजी भी होती है, ग्राम भी होती है, तो केजी और ग्राम में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? कि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ऐसे ही जूल और अर्क दोनों वर्क की यूनिट है, तो इन दोनों में भी रिलेशन होता है। पहले रिलेशन लिख दे रहा हूँ, क्या रिलेशन है देखिए बच्चे। आप देखिए, अगर इन दोनों में रिलेशन निकालना है तो पहले तो मुझे ये बताइए कि जूल और अर्ग क्या था। आप देखिए, वर्क डन का फॉर्मूला था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और फोर्स की अगर आप न्यूटन लगाते हैं, 1 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर, तो वर्क आता है 1 जूल। ऐसे ही न्यूटन की जगह डाइन कर देते हैं 1 डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ये बनता है 1 अर्ग। तो अगर इन दोनों के बीच रिलेशन बतानी है तो कैसे करें? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, SI यूनिट से। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स की जगह आपने 1 न्यूटन लिखा और डिस्प्लेसमेंट की जगह 1 मीटर, तो ये आया 1 जूल। प्यारे, अगर जूल में अर्ग बताने हैं कितने हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इन दोनों यूनिट्स को न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, सॉरी डाइन में, और मीटर को सेंटीमीटर में, तभी अर्ग बन पाएगा। तो बताओ, न्यूटन को अगर डाइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आपको पता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? याद करिए, 1 न्यूटन में होते हैं 10^5 डाइन। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? जी हाँ, 10^200 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये 10^5 और 10^2 कितना बन गया? 10^7 डाइन सेंटीमीटर। प्यारे, 10^7 तो वैसे ही लिखा रहने दूँ, और डाइन सेंटीमीटर को मिला के, डाइन सेंटीमीटर को मिला के क्या लिख सकते हैं? अर्ग। तो ये आ गया आपका 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दिमाग में बसा लीजिए। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना। अरे अरे रुक जाओ, एक छोटा सा बीच में मुझे बता देना चाहिए था, आपको अभी बता देता हूँ। प्यारे, क्या एक छोटी सी बात है बेटा, वर्क का फॉर्मूला अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच थीटा एंगल है, तो आपने क्या निकाला? FS cos थीटा। बेटा वैसे तो ये पूरा फॉर्मूला है, लेकिन हायर क्लास में आप पढ़ेंगे कि अगर कहीं पर भी ऐसा लिखा है XY cos थीटा, तो पता है इसे क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं, इसे एक डिनोट करने का एक तरीका होता है, एक्स और वाई के बीच में डॉट लगा देना और इसके ऊपर ऐसी एरोज बना देना, ये दिखाने के लिए कि ये दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। मतलब जैसे कहीं पे भी ए बी कॉस थीटा लिखा है, तो पता है अगर ए और बी वेक्टर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटीज का मतलब समझते हो ना, जिन क्वांटिटीज का डायरेक्शन होता है उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। अगर ए और बी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो पता है ए और बी, ए बी कॉस थीटा को डिनोट दिखाने का एक तरीका होता है कि इसे ए बी कॉस थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये कैसे आया, क्यों लिखा, इसकी डिटेलिंग बेटा अभी नहीं कर सकते। 11th क्लास का टॉपिक है, वहाँ पूरा एक चैप्टर है वेक्टर्स, वहाँ पे समझाया जाता है। अभी मैंने सिर्फ इसलिए आपको ऐसा थोड़ा सा बता दिया क्योंकि बुक में एक लाइन मेंशन्ड है, वहाँ आप कंफ्यूज ना हो ये कैसे आया, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही बेटा, जैसे यहाँ ए बी कॉस थीटा है, यहाँ FS cos थीटा है। आपको मालूम है फोर्स एक वैक्टर क्वान्टिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, FS cos थीटा को F vector डॉट S vector। बोले सर ये क्या बना रहे हो? बेटा ये सिर्फ एक सिंबल है, F के ऊपर एक एरो बनाने का एक सिंबल ये है, से ये डिनोट हो जाता है कि एरो के नीचे लिखी हुई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर आप डॉट लगाते हो तो इन क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन लगा देते हो, अगर डॉट नहीं लगाए तो नहीं लगेगा साइन, सिर्फ डॉट लगा रहे हो तो ही वेक्टर का साइन लगता है, दिखाने के लिए कि नीचे लिखी हुई क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटी हैं। बेटा ये दोनों तो वेक्टर हैं, लेकिन वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता, फोर्स का होता है किस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रही है वो भी होता है, लेकिन वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं होता भाई। वर्क करा जाता है, 1 जूल 10 जूल का वर्क करिया है, उसका कोई डायरेक्शन
नहीं होता है, इसलिए उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और एफ डॉट एस वेक्टर जो हमने लिखा है, इस डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी या डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। बस मैंने शब्द बोले हैं, आगे क्वेश्चन मत पूछना कि ये सर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वो 11th क्लास की बात है। फिलहाल बच्चे ये एफ वेक्टर डॉट एट वेक्टर से डिनोट करने का तरीका है, लेकिन न्यूमेरिकल जब आप करोगे तो यही फॉर्मूला लगाओगे, या ये फॉर्मूला तब लगाओगे जब कोई एंगल मेंशन नहीं है, या ये दे रखा है कि दोनों सेम डायरेक्शन में है तब ये लगाओगे, वरना कोई एंगल दे रखा है या कुछ और मेंशन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। SI यूनिट लिख रहे हो न्यूटन मीटर तो वर्क यूनिट जूल लिखोगे, और सेंटीमीटर और डाइन लिख रहे हो तो अर्घ लिखोगे। फिलहाल इसके न्यूमेरिकल्स हम आगे सेक्शन में करेंगे, आगे लेक्चर्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही है बेटा, ये एक थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, शायद आप थक गए होंगे, लेकिन प्यारे वर्क एनर्जी पार्ट चैप्टर में ये पूरा वर्क था जो मुझे एक साथ समझाना था। उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और प्यार से अच्छे से समझ पाए होंगे। जितने भी बच्चे ये लेक्चर देख रहे हैं, जल्दी से अपनी प्रेजेंट मार्क कर दीजिए बाय टाइपिंग योर नेम इन द कमेंट बॉक्स। एंड प्यारे ये मैंने आपको पूरा समझाया, इसके नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, अपने हाथ से नोट्स बनाएं। और प्यारे इसके नोट्स मैंने भी प्रोवाइड किए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी गुरुकुल क्लासेस की ऐप का लिंक है, वो डाउनलोड करके आप डायरेक्ट इसके नोट्स ले सकते हैं। लेकिन फिर से बता दूं बेटा, नोट्स हमेशा अपने ही बनाने चाहिए, वही सबसे ज़्यादा दुनिया की कीमती चीज़ होते हैं आपकी पढ़ाई के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप किसी वजह से नहीं बना पा रहे हैं या टाइम कम है, एकदम देखना है, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके ऐप डाउनलोड करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद वर्क पढ़ लिया, एनर्जी पढ़ेंगे, पार पढ़ेंगे, और साथ साथ में कुछ न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स भी करेंगे, वो मैं आपको दूंगा, और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस के लिए भी असाइनमेंट आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, मेहनत करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट।